हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेमस यसी क्रिएशन। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी यह लड्डू गोपाल की हैवी पोशाक। तो यह मैंने 3-4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। आप अपने लड्डू गोपाल की साइज़ के अकॉर्डिंग इसको छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं। तो यह मैंने ब्लू कलर के वेलवेट फैब्रिक से बनाई है। मैंने अपनी सारी ड्रेसेस जो है वेलवेट फैब्रिक से ही बनाई हैं, क्योंकि इस टाइप के फैब्रिक पर ठाकुर जी की ड्रेस का जो लुक आता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। यदि आप चाहें तो कोई भी फैब्रिक से इस ड्रेस को बना सकते हैं। और ब्लू कलर के साथ मैंने इस पर सिल्वर पैचेस का वर्क भी दिया हुआ है, जो कि पैचेस सारे मैं अपने घर पर खुद ही बनाती हूँ, जो कि मेरी वीडियो में आपको आगे देखने को मिल जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये बकरम लिया है और मैं इस पर एक प्लेट रखकर इसको चारों तरफ से मार्क कर लूँगी। देखिए इस तरह से हम इसको गोल शेप में कट कर लेंगे। आप भी अपनी लड्डू गोपाल की साइज़ के ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई भी छोटी या बड़ी प्लेट ले लें, उसके हिसाब से आप इसको मार्क करके कट कर लें। तो देखिए इस तरह मैंने एक मार्क सेंटर पर किया हुआ है और मैं इस तरह से किसी भी गोल ढक्कन से इसको बीच में सेंटर पर गोल शेप देते हुए कट कर लें कमर के लिए। तो मेरी ये बकरम है, उसका साइज 7 इंच आया है और इसकी घेर की जो लंबाई है वो 3 इंच है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो फैब्रिक लिया है उसमें घेर की जो लंबाई रखूंगी मैं 4 इंच रखूंगी, और मैंने इस टोटल फैब्रिक को 35 इंच लंबा रखा है। तो देखिए इस तरह से हम इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके छोटी छोटी सी इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ है। अब हम इस पर स्टिचिंग करेंगे। देखिए इस तरह से स्टिचिंग कर लें। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे। हम 2-3 प्लेट्स एक साथ बना लें और उसके बाद स्टिचिंग करें, फिर 2-3 प्लेट्स एक साथ बनाएं, फिर उसके बाद स्टिचिंग करें। इससे क्या होगा कि हमारी जो प्लेट्स हैं वो प्रॉपर बनेंगी, कोई भी छोटी या बड़ी नहीं रहेगी। देखिए इस तरह से मैं इस पर स्टिचिंग कर रही हूँ। मेरे चैनल पर आपको हैवी और ब्यूटीफुल लुक में ड्रेसेस देखने को मिलेंगी, वो भी हैंडमेड पैचेस के साथ, क्योंकि जो सारे मेरे पैचेस रहते हैं, जो भी मैं ड्रेस में पैचेस का यूज़ करती हूँ वो मैं घर पर खुद ही बनाती हूँ, और जो भी ड्रेस में फ्लावर्स का यूज़ करती हूँ वो फ्लावर में भी मैं घर पर खुद ही बनाती हूँ, जो कि मेरी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। कई लोगों के पास सिलाई मशीन भी नहीं होती, तो उनके लिए भी मैं इस टाइप की हाथ से सिलाई करके इजी मेथड वाली वीडियो डालूंगी। बिल्कुल हैवी लुक में रहेगी वो ड्रेसेस भी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों के लिए सिलाई करना भी नहीं आता, तो उन लोगों के लिए भी मैं लड्डू गोपाल की ड्रेसेस की वीडियो डालूंगी, जो ड्रेसेस भी बिल्कुल हैवी लुक में रहेंगी, ब्यूटीफुल दिखेंगी। तो अब देखिए ये हमारी सारी प्लेट्स बनकर तैयार हैं, और इस तरह से हम इस पर बाहर की तरफ भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। और अब हम ड्रेस को उल्टा पलट लेंगे और पीछे की तरफ भी एक सिलाई लगाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इसमें प्रॉपर दब जाए और जो बाहर से हमारी जो ड्रेस का लुक है वो एकदम परफेक्ट। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से हम इसमें गोल शेप देते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए अब हमारी ये ड्रेस का लुक एकदम परफेक्ट आ गया है, और कमर पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए अब मैंने इसकी चूड़ी के लिए फैब्रिक लिया है, तो मैंने इसकी लंबाई 11 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है।
तो जो चोली की पट्टी रहेगी उसकी चौड़ाई मैं इसमें 1.5 इंच रखूँगी। तो देखिए मैंने इसको एक साइड से फोल्ड कर सिलाई लगा ली है। इसी तरह हम दोनों साइड से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। और मैंने इसकी जो पट्टी है उसकी चौड़ाई जो है मैंने 1.5 इंच रखी है, क्योंकि मेरी लड्डू गोपाल की जो ड्रेस है उसकी कमर 6 इंच है, तो मैं इसमें 1.5 इंच की ये पट्टी रखूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पर दोनों साइड सिलाई लगा ली है। और अब मैं इस पर सिल्वर कलर की ये लेस का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस पर जो बर किया हुआ है वो भी सिल्वर कलर का है, तो ये इस टाइप की लेस इस पर परफेक्ट लुक देगी। इस तरह से हम इसको फोल्ड करके दो पार्ट में काट लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको काट लिया है और दोनों पार्ट को आपस में सिलाई लगाते हुए जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसको आपस में जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ड्रेस का फ्लेयर है उसको लेंगे, उसको फोल्ड करके बीच में एक मार्क कर लेंगे, फ्रंट में उसके जस्ट बीच में एक मार्क करेंगे। और इस तरह से हमारी चोली को उस पर रखकर थोड़ा चोली को खींचते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए किस तरह से मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा इसको खींचते हुए, हमें ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना, बस थोड़ा थोड़ा इसको खींचना है। और इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे और इस सिलाई को फिर से डबल कर दूंगी, ताकि ये ड्रेस निकले नहीं, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब भी हम कोई भी ड्रेस मार्केट से लाते हैं तो वो पहनाने करने में ही उसकी सिलाई निकल जाती है, तो इसलिए मैंने इस पर डबल सिलाई की हुई है, ताकि लड्डू गोपाल को पहनाने में भी ये अब कभी निकलेगी नहीं। इस तरह से मैं इस पर डबल सिलाई कर लूँगी। तो देखिए अब ये हमारा ड्रेस का बेस बनकर तैयार है। इस तरह से देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। और जो भी चोली का एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ रहेगा उसको हम कट कर लेंगे इस तरह फिनिशिंग देते हुए। तो देखिए अब ये हमारी चोली बनकर तैयार है। अब हम बर्क के लिए इस पर मैंने ये फैब्रिक ग्लू ली है, तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं इस पर स्टोन चिपका दूंगी। ये मैंने बकरम पर चिपकाया हुआ है इस तरह से, ये मैंने गोल स्टोन चिपका लिए हैं। अब स्टोन के चारों तरफ ग्लू लगा देंगे। देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ इसके ग्लू लगा दी है। और स्टोन की साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने ये स्टोन लेस कट कर ली थी। तो देखिए सभी स्टोन पर हम इस तरह से ये लेस चिपका देंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये लेस चिपका दी है सभी स्टोन पर। अब इसको थोड़ा सूखने के लिए रख देंगे। तो सूखने के बाद हम इसको कट करेंगे इस तरह से। ये मेरे सारे पैचेस बनकर तैयार हैं। देखिए ये सारे पैचेस बनकर तैयार हैं। तो जो भी पैचेस का यूज़ मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस में करती हूँ वो सारे पैचेस मैं घर पर खुद ही बनाती हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से हम दूसरा पैचेस भी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक ये मोती वाली चैन ली हुई है और इसकी बाहर साइड हम वही स्टोन वाली चैन लगाएंगे। तो देखिए ये मेरा लीफ शेप में है ये वाला स्टोन। इस तरह से ये मेरे दोनों पैचेस बनकर तैयार हैं। और मैं जो लड्डू गोपाल की ड्रेस का वीडियो डालती हूँ उसमें जो भी पैचेस बनाती हूँ वो सारी वीडियोस में आपको इस तरह से पैचेस बनाना मिल जाएंगे।
देखिए मैंने सारे पैचेस पर ग्लू लगा दी है, तो मैंने इस पर पहले ही पैचेस पर ग्लू लगा दी थी ताकि इसको चिपकाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और यह आसानी से चिपक जाए। देखिए इस तरह से जो फैब्रिक ग्लू से हम स्टोन चिपकाते हैं वो अच्छे से उस पर फैब्रिक पर अटैच हो जाते हैं और वो वॉश करने के बाद भी नहीं निकलते। तो इस टाइप की ड्रेस को हम अच्छे से वॉश भी करते हैं, वॉश भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल वॉशेबल रहती है। और इस टाइप के मैंने ये छोटे छोटे स्टोन लिए हुए हैं जो कि मैं इस ड्रेस में चोली के पास चिपकाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने इन पर भी ग्लू लगाकर इस तरह से इनको चिपका दिया है। इस ड्रेस का लुक बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए यदि आपको मेरी ये ड्रेस पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके भी बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।